My next thermodynamic quantity is heat and heat transferred. Heat and heat transferred. We denote it by small q or by capital Q. अब इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना. कोई सिस्टम स्टेट वन पर है और इस सिस्टम के पास हीट कंटेंट है Q1 इज हीट कंटेंट. अब इधर जब मैं हीट कंटेंट बोल रहा हूं, लेट मी एड ऑल द टाइप ऑफ एनर्जीज. इंटरनल एनर्जी जब मैंने कहा था तो इंटरनल एनर्जी में मैंने सिर्फ वही एनर्जी को शामिल करा था जो सिस्टम के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं. मैंने उन एनर्जी को इंक्लूड नहीं करा विच डजेंट इफेक्ट द टेम्परेचर. While conceptualizing heat, let me include all the type of energies which may or may not affect the temperature. कोई सिस्टम स्टेट वन पर है और इसका हीट कंटेंट है Q1. यह सिस्टम, इसके साथ में कुछ प्रोसेस होता है, यह स्टेट टू पर जाता है और इसका हीट कंटेंट हो जाता है Q2. We used to say initial heat content is Q1, final heat content is Q2. The change in heat content, delta Q, is Q2 minus Q1, and this is termed as heat transferred. This is termed as heat transferred. Delta Q is final heat content Q2 minus initial heat content Q1. This is heat transferred. Now, if the process is exothermic, for exothermic process, we used to say the process is termed as exothermic if heat is liberated during the process. That is, if heat is liberated for exothermic process, that is, if heat is liberated, heat liberate kar dene ke baad, final heat content would be less than initial heat content. Q2 would be less than Q1. In that case, this delta Q would always be a negative value. Exothermic process ke liye delta Q ek negative value hota hai. While और एंडोथर्मिक प्रोसेस, यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वी यूज टू से द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. दैट इज इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड. यदि हीट एब्जॉर्ब हुई तो फाइनल हीट कंटेंट ज्यादा होगा इनिशियल हीट कंटेंट से. इन दैट केस this Q2 would be greater than Q1. In that case, Q2 minus Q1, delta Q would be a positive value. हम हमेशा exothermic process के लिए delta Q negative कहेंगे
और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की पॉजिटिव वैल्यू कहेंगे। अब एक और बात हम बताते हैं, ये जो हीट ट्रांसफर्ड होता है इट डज नॉट सिंपली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनर द वे इन विच द प्रोसेस इज बीइंग कैरीड। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस जमीन पर पानी फैला दूं और वह पानी उड़ रहा है, वो इवापरेट हो रहा है, ड्यूरिंग दैट इवापोरेशन फिनोमेना सम हीट ट्रांसफर वुड टेक प्लेस, बट दैट हीट ट्रांसफर वुड डेफिनेटली डिपेंड ऑन द मैनर इन विच द वॉटर इज बींग इवापोरेटेड। यदि गर्मी का मौसम है, बेहद गर्मी है, उस समय वहां पानी इवापोरेट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा, सर्दियों में बारिश में वह पानी इवापोरेट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा, यदि मैं वहां उसको डिलीबरेटली गर्म करके उड़ा रहा हूं तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा। वी यूज टू से दैट दिस प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिंपली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन बट इट depends on the way, the manner, the path through which the process is being done. We used to say that this delta Q is a path function. यह एक path function होता है, एक ही process को अलग अलग तरीके से करने पर heat transfer कुछ और होता है। मैं कोयला जलाता हूं, कोयला मैं इस जगह पर इंदौर में जलाऊंगा तो हीट लिबरेटेड कुछ और होगी, उसी कोयले को यदि मैं लेह या लद्दाख में जाके जलाऊंगा तो वहां पर हीट लिबरेटेड कुछ और होगी। एनवायरमेंट चेंज हो जाने से भी हीट ट्रांसफर चेंज हो जाता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड बाय विच वन कैन कंसेप्चुलाइज हीट। इस तरीके से हीट को कंसेप्चुलाइज करने पर, हीट ट्रांसफर सोचने पर कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बट देयर आर फ्यू परफेक्शनिस्ट विच हैव गॉट मेजर ऑब्जेक्शन इन कंसेप्चुलाइजिंग हीट इन दिस मैनर। इन फैक्ट अभी तक जो भी कुछ मैंने हीट के बारे में बताया है ये वाकई में गलत कंसेप्ट है। ऑल्दो प्रॉब्लम्स करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, मगर इस तरीके से हीट को कंसेप्चुलाइज करना यह एक गलत तरीका है। फ्यू परफेक्शनिस्ट सेज दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड हीट कंटेंट। ये जो हमने कहा है कि स्टेट वन पर सिस्टम का हीट कंटेंट Q1, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। स्टेट टू पर सिस्टम का हीट कंटेंट Q2, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो लोग कहते हैं जब कोई सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू पर जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड दैट इज कॉल्ड हीट। व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, व्हेन सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑकर, ड्यूरिंग दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज टर्म्ड एज हीट। दिस क्यू इज हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो ये डेल्टा साइन कभी इस्तेमाल करते ही नहीं, वो क्यू को ही हीट ट्रांसफर्ड कहते। वो लोग कहते हैं कि जब सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू पर जा रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान व्हाट एवर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड That transferred energy should be termed as heat. इस बात को समझो, जैसे हमने कोयला जलाया,
कोयला जलाने पर इनिशियली उस कोयले की कुछ एनर्जी है, जलने के बाद फाइनली उसकी कुछ एनर्जी है। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम हीट कह देते हैं और उसको हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। अब वंस अगेन वो इधर एक कन्वेंशन डिफाइन कर देते हैं, वो कहते हैं फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिस क्यू शुड बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू, व्हाइल फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस this Q must be taken as positive value. आगे convention वही का वही है, वही exothermic process के लिए यहां लोग कह रहे हैं delta Q negative और यहां कह रहे हैं exothermic process के लिए Q is equal to negative, endothermic process के लिए delta Q is positive और यहां लोग कह रहे हैं endothermic process के लिए Q is positive. Once again sign में कोई difference नहीं है मगर लिखने के तरीके में डिफरेंस है। नाउ आपको प्रॉब्लम में कुछ भी दिया जाए, प्रॉब्लम में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल दे रखा है, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल दे रखा है, तो आप उसी समय समझ जाएंगे दे आर फॉलोइंग दिस कन्वेंशन एंड दिस डेल्टा क्यू इज हीट ट्रांसफर्ड और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल दे रखा है, मतलब वह पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स दैट इज अ endothermic process and during that endothermic process 10 joules of energy is being absorbed. और मान लीजिए किसी दूसरे problem में दे रखा है Q is equal to 10 joule. Once again confused होने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ जाइए कि इस problem में वो इस convention को obey कर रहे हैं, वो delta sign नहीं लिखते हैं, वो Q को ही heat transfer कहते हैं। Once again, when they say Q is equal to 10 joule, once again, they are referring to an endothermic process because उन्हें positive plus 10 joule कहा है, और उस endothermic process के दौरान 10 joules की energy absorb हो रही है. Different authors follow different convention. कुछ books में आपको यह convention मिलेगा, कुछ books में आपको यह convention मिलेगा, आप कभी भी कंफ्यूज मत हो, चाहे वहां डेल्टा क्यू लिखा हो चाहे वहां क्यू लिखा हो, ऑलवेज रीड इट एज हीट ट्रांसफर, डेल्टा क्यू को भी आप हीट ट्रांसफर रीड करो और क्यू को भी आप हीट ट्रांसफर ही रीड करो, वह चाहे स्मॉल क्यू लिखा हो चाहे कैपिटल क्यू लिखा हो, थर्मोडायनामिक्स में क्यू इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर हीट एंड दिस heat transfer is a path function. Now, another thermodynamic quantity is work, which we'll frequently study in the chapter is work. We generally denote it by capital W. इनफैक्ट फिजिक्स में भी इस वर्क को हम बड़ा एलाबोरेट में पढ़ेंगे और इधर थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में भी वर्क का काफी जगह पर एप्लीकेशन है. इन कोलोक्वियल सेंस जनरली इन आवर डे टू डे लाइफ, आप इधर बैठे हो, इधर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, यू यूज टू से दैट यू आर डूइंग सम वर्क, आप इधर बैठकर काम कर रहे हो, बहुत भारी काम कर रहे हो, बट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स यू आर डूइंग नो वर्क, देयर इज नो फिजिकल वर्क बीइंग डन बाय यू, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क बीइंग डन बाय यू. इन फिजिक्स इन मैकेनिक्स वी से दैट वर्क इज डन ओनली इफ देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, देयर इज सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. वर्क तब होता है जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो या कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क होता है. Until and unless there is no displacement means there is no work. अभी जब आप
स्टिल बैठे हुए हो, किसी तरह से कोई मूवमेंट नहीं है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो. सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन यू, देयर इज नो फिजिकल वर्क, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क. ऑफ कोर्स आई विल से देयर इज सम मेंटल वर्क बीइंग डन बाय यू. आप लोगों के द्वारा कुछ मेंटल वर्क अवश्य हो रहा है. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन मेंटल वर्क? एनी जॉब दैट नीड मेंटल अलर्टनेस वुड इन्वॉल्व मेंटल वर्क. कोई सा भी ऐसा काम जिसमें मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता है वो मेंटल वर्क कहलाएगा. और जितना ज्यादा मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता है उतना ही वह ज्यादा बड़ा मेंटल वर्क कहलाएगा. मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता नहीं है तो मेंटल वर्क नहीं कहलाएगा. अब एनीवे, राइट नाउ हम फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस स्टडी कर रहे हैं, तो इधर हम साइंस की भाषा में वर्क को डिफाइन करें. इन फिजिक्स मैकेनिकल वर्क इज डिफाइंड एज dot s. It's dot product of force and displacement. For example, we have got a body and this body is applied with some force F. And this force is in this direction. हम इस बॉडी को इस तरह से फोर्स से खींच रहे. एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन बाय सम डिस्प्लेसमेंट एस. एंड द एंगल बिटवीन दिस फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज थीटा. वी यूज टू से the work done by this force in displacing this body by displacement s, force vectors in this direction, it have got some magnitude, some direction. Magnitude is the amount of force that you are applying and the direction is denoted by this arrow. Aur aisa force lagane se body is taraf displace ho rahi hai. Let me show you. Main isi samay I have got this chair here. मैं इस चेयर को ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे धक्का दे रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, चेयर इस तरफ आ रही है. इट्स नॉट नेसेसरी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो. फोर्स इस तरफ लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है बॉडी का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल थीटा है. वी यूज टू से सम वर्क इज बींग डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी. इस बॉडी पर फोर्स के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है एंड दैट वर्क इज एक्सप्रेस एस एफ डॉट एस और इट्स गिवन बाय मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Once again, when we say that some work is being done by this force, iska physically matlab hota hai, the agent which is applying the force, it's putting some energy into this body in the form of work. Yahan force lagane wala koi na koi agent hoga. Some agent must be applying this force. You may call it surrounding. उस एजेंट के द्वारा उस फोर्स के माध्यम से इस बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी डाली जा रही है. दैट एनर्जी दैट इज इंजेक्टेड इन टू द बॉडी इज टर्म्ड एज वर्क. देखिए यह बॉडी रेस्ट पर है, यह बॉडी रेस्ट पर है. इस समय इसके पास में एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है.
Now I am an agent. मैं force लगाता हूं और force लगाकर इस body को खींचता और इसको खींचते हुए इसको displace करता हूं. जब मैंने force लगाया, इसको खींचा, इस पर कुछ work करा. Work is a form of energy. मैंने इसके अंदर energy डाल दी और उतनी energy डाल दी जितना मैंने work करा. This work is in fact energy that is injected into the system or put into the system by the external source, by this force. अब हम कहते हैं यदि force के apply करने से body का finite displacement होता है, then work is finite. Due to this force, if body undergo finite displacement, in that case, work done is also finite. Why? हम एक system लेते हैं. इस system पर force F लगाया जाए और इस force F के लगाने से इस body का differential displacement होता है DS. DS means differential displacement. Differential displacement means very very small displacement. हमने force लगाया और इस force के लगाने से body का small displacement DS हुआ and that small displacement is at an angle of theta with the force vector. Force vector के साथ differential displacement DS होता है किसी theta angle पर. We used to say work done finite displacement होता है तो finite work होता है. Differential displacement small displacement होता है तो work done भी small होएगा. During this differential displacement DS stands for differential displacement. Differential displacement means very very small displacement. मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉडी 1 मीटर से मूव कर गई तो 1 मीटर तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया. मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.0000001 मीटर्स. देन दैट इज अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. ड्यूरिंग दैट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज अ डिफरेंशियल एंड दैट डिफरेंशियल वर्क would be expressed as F dot ds. This is differential work during differential displacement. Or a differential work would be expressed as mod F mod ds cos theta. Work done is dot product of force vector and displacement vector. And then I will say the overall work done is integral of dW or its integral of F dot ds. This is how we conceptualize mechanical work. अभी मैं सिर्फ mechanical work की definition लिख रहा हूं. मैं बड़ा एलाबोरेट में समझाऊंगा फिजिक्स में इसको जब मैं फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी बताऊंगा. अभी मैं थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इसलिए सिर्फ जरूरी बात बताकर मैं खास थर्मोडायनामिक वर्क समझाना चाहता हूं. ये तो मैकेनिकल वर्क है. मैकेनिकल वर्क मींस व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम. सिस्टम में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट हो तो मैकेनिकल वर्क होता है. And this is how we conceptualize mechanical work. यदि system के ऊपर कोई mechanical work हुआ है, इसका मतलब system के अंदर energy डाली गई है, किसी external agent ने energy डाली. Now, let me conceptualize thermodynamic work. Thermodynamic work.
we have got a thermodynamic system. कोई thermodynamic system है and we have got few thermodynamic state variables, pressure, volume and temperature. उस thermodynamic system का कुछ pressure है, कुछ volume है, कुछ temperature है. इस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में किसी भी तरह का यदि परिवर्तन होता है तो उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस देयर इज सम थर्मोडायनामिक वर्क. अब उस थर्मोडायनामिक वर्क को हम कैसे कंसेप्चुलाइज करेंगे? वी यूज टू से, जैसे हमने मैकेनिक्स में कहा कि यदि सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर कोई मैकेनिकल वर्क होता है. इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स में हम कहेंगे कि यदि कोई वॉल्यूम चेंज होता है, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है या सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है तो वहां पर कोई थर्मोडायनामिक वर्क होता है. मैं कैसे कंसेप्चुलाइज करूंगा, देखिए.